जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है, खैर खरीय से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों का स्क्वाड अगेन व्लॉग शूट करने जा रहा है बसीरपुर वाली साइड पे। बसीरपुर बेसिकली पाक वतन वाली साइड पे एक गांव आता है, आज हम लोग वो विजिट करने के लिए जा रहे हैं। और सगीर भाई हमारे साथ है, ये बेसिकली सगीर भाई का एरिया है और सगीर भाई हमें वहाँ पर आज विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी वहाँ पे जो दो तीन पॉइंट्स हैं, जिस तरह के एक तो बॉर्डर है वहाँ पे साथ इंडिया लगता है, वो विजिट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरा जो जो वहाँ पे मेन दरिया सतलुज वहाँ से ना गुजर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला सतलुज भी विजिट करेंगे, वहाँ से मछली पकड़ेंगे भी, खाएंगे भी और शुगर भी लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी उस्मान भाई आज कमांडिंग लीडर नहीं है, तो दुआ आप पढ़ा दें तो फिर सफ़र कंटिन्यू करते हैं अपना। सुभान अल्लज़ी सखर लाना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी अल्लाह ताला हमें खैर खरीय से लेके जाए। उस्मान भी नहीं आते, रट्टा लगाया हुआ था, रट्टा लगाया हुआ था। और एक और हम आपको गांव में एक और चीज भी दिखाने लगे, भाई का कट्टा, ये जरा जिस कट्टे के वजह से इनकी शादी अभी तक रुकी हुई है, आज हम आपको वो कट्टा भी दिखाएंगे। वो कट्टा जवान नहीं हो रहा काफी सालों से, वो कट्टा जवान नहीं हो रहा जिस वजह से भाई की शादी रुकी है। तो ये एक बड़ा कमांडिंग लीडर भी हमारे साथ आ गए। बाकी चले अब हमारे कमांडिंग लीडर की कॉल आ चुकी है, तो अब ये देख सकते हैं जी कमांडिंग लीडर साहब आज वीडियो कॉल पे है। आवाज फुल ऊपर है इसकी। दावर भाई दुआ पढ़ा दीजिए। हाँ जी यार, वो बस ना आज हम लोग जा रहे हैं बसीरपुर, तो सगीर भाई के गांव जा रहे हैं, तो हमने कहा कि आप थोड़े बिजी थे, तो फिर हमने कहा चलो आज खुद से शूट कराते हैं इंशाल्लाह ताला। तो नहीं यार चलो माजरत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्क इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अभी दुआ पढ़ा दें आप ताकि हम सफर अपना कंटिन्यू करें जल्दी से इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। जरा वॉइस प्रॉब्लम हुई हुई है, जरा ना आवाज मेरे ख्याल से क्लियर नहीं गई वीडियो में, पर हाल कोशिश करेंगे कि इसका वॉल्यूम ऊंचा कर दें आवाज का। तो बाकी अब सफर कंटिन्यू करते हैं और शुगर लगाते हैं, साथ रहिएगा स्ट्रेट ट्रैवलर्स। I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? ये फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम हमारे असवंद यार ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइवर है साथ कंडक्टर, और उनके पीछे गुल्लू शेर नाइब सूबेदार, और उसके पीछे जेम्स बॉन्ड 007 गाड़ी में अनक लगा के बैठे हैं, और सबके पीछे सिक्का बैठे हैं, और सबसे पीछे हैं जी सगीर अब्बास जिनके आज हम लोग गांव जा रहे हैं। आज के मेजबान हेलो कर दो, हेलो 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 हेलो, हाथ हिला दो कैमरे में देख के हेलो यार। ये ट्रैवलर्स हमारे खड़े हुए हैं, टूर से रिलेटेड डिस्कशन हो रही है इस टाइम। गाइस किस वाले से बातचीत चल रही है यहाँ पे? बात कर रहे हैं कट्टे के वाले से। कट्टा ही है ना, दो ही होते हैं, गोली शोली ऊपर तो नहीं चढ़ गई। तो फ्रेंड्स अभी हम अपने मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, तो ये शायरी साहब आपको थोड़ी सी स्टोरी बताना चाह रहे हैं कट्टे की। अच्छा, तो फ्रेंड असल में ना सीन इस तरह कि हम लोग ना जा तो रहे हैं
गोपालपुर, उससे आगे है बसीरपुर। लेकिन जो भैया मैं वहाँ पे लेके जा रहा ना, उसने हमें बहुत ही ना एक अजीब सी एक बात बताई है कि हम लोग भी सुन के हैरान हो गए हैं भाई। माशाल्लाह भाई बड़े टेंशन में थे, कह रहे थे यार मेरी शादी नहीं हो रही, लेट होता जा रहा है। हमने कहा यार क्या वजह क्या है, कहता वहाँ पे कट्टा है, जब कट्टा जवान होगा ना तब मेरी शादी होगी। तो हमने क्योंकि वही कट्टा इनकी शादी में पकना है, वही कट्टा इनकी शादी में पकना है। तो मसला ये है कि हम वही जाके कट्टा देखेंगे, कट्टे की क्या सूरत हाल है। हाँ जी सगीर भाई, हम लोग इस टाइम किस जगह पहुंच चुके हैं? इस टाइम पहुंच पड़े हैं गांव के पास नजदीक ही हैं। नहीं जगह क्या क्या नाम है, ये कौन सी प्लेस है? ये जगह है ये एडपुल शेर, इसका नाम है। और यहाँ से कट्टा कितना दूर है अभी? ये कट्टा अभी इधर से आया तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर है अंदर। पानी अब, और ये पानी क्यों नहीं चल रहा नहर में इस टाइम? ये हम तक जो है ना पानी तकरीबन 1-2 माह में आ जाएगा इधर, वो जो आगे नहर है उसके अंदर होगा पानी। कट्टा तो नहीं पी गया हमारी? बाकी व्यूवर जी ये जगह देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है, ये सामने से ट्रैक है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी जगह है। और एक ट्रैवल जो है वो ट्रैवल वो गुल्लू नाइब सूबेदार सोए हुए इस टाइम गाड़ी में, थक चुके हैं बहुत ज्यादा, उनको नींद चढ़ गई है। सो व्यूवर्स आप ही पीछे व्यू देख सकते हैं कि कितना शानदार व्यू आ रहा है इस टाइम पीछे। तो हम लोगों ने कहा क्यों ना एक छोटी सी रेस लगाई जाए यहाँ पे। तो अब हम लोग हम चार ट्रैवलर मिलके यहाँ पे रेस लगाएंगे और देखते हैं कौन ये रेस विन करता है यहाँ पे। तो अब रेस लगाते हैं और देखते हैं कौन जीतता है रेस यहाँ पे। तो व्यूवर्स रेस तो हमारे मेजर शहरयार जीत चुके हैं और सेकंड पे कैप्टन उस्मान साहब आए हैं। तो हम आगे चलते हैं आउटफॉल की तरफ, सतलुज की तरफ चलते हैं और आपको व्यू दिखाते हैं आगे जाके। तो इसमें से हम सगीर का कट्टा ढूंढते हुए, लेकिन ये सारे कट्टे मेरे ख्याल से उनके जिनके ब्याह हो गए हैं। मार भी देते हैं कटे, तने तने कटे हैं ये। वो देखो जी फाइट हो रही है, वो एक गाड़ी बचा ऐसे ही कटे ना भाई। चाचा फुल गुस्से में। हम लोग अब सगीर भाई के गांव बसीरपुर पहुंच चुके हैं। तो अब हम सब ने सारे ट्रैवलर्स ने खाना शाना खा लिया है। तो अब हम जा रहे हैं उस कट्टे की जानब जो सगीर भाई के शादी में रुकावट बना हुआ है, जिसकी वजह से सगीर भाई की शादी नहीं हो पा रही। तो ये वो कट्टा है जी, ये देखिए जी ये कट्टा फुल अथरा है, ये बड़ा नहीं हो रहा, इसी वजह से सगीर भाई की शादी रुकी हुई है। जब ये बड़ा होगा तो फिर उसकी शादी होगी। अंकल जी एनु उत्ते पाओ मुंडे नु, समान भी ऊपर बैठो कट्टे के, समान भी बैठो कट्टे पे। ओ शहरी साहब देख लो अंगूठियां चुभेंगी, तूने ऐसे मुंह नीचे करके धार मारनी है। नहीं रोक भी जा यार, औरतें पिंडों में निकाल लेती हैं।
मैंने निकाला हुआ है उधर सीप के जानवर। ये हमारे मेजर शहर यार उशारी तुम पड़ेगी मुंह पे उशारी ध्यान से यार वे कुछ छोड़ना पकड़ नहीं ये हमारे मेजर शहर यार देख सकते हैं दिखाएंगे तूने तू पागल उस्मान भाई अब उस्मान भाई की बारी है उस्मान भाई माशाल्लाह प्योर गुजर है जी उस्मान भाई हमारे उस्मान भाई आप इस तरह ना करो करो यार मुंह नीचे करो मुंह नीचे करो समान भाई यार इस तरह कट्टे के ऊपर बैठो समान भाई और आपको वहाँ जाके विजिट करवाते हैं हेड सलमान की साथ रहिएगा ये गाइस दरिया सतलज की मछली है जो आपके सामने हम लोगों ने तैयार करवाने के लिए दी है। हम लोग असल में स्पेशल यहाँ पे यही खाने आए थे जैसे कि आप देख रहे हैं और वो पीछे हमारा कट्टे वाला खड़ा हुआ है आदर आवे भाई कट्टे पे रुकी भी अच्छी तलाश कर रहा है तो हम लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने फाइनल डेस्टिनेशन दरियाए सतलुज पर पहुंच चुके हैं। सुभानअल्लाह हवा बहुत ही जबरदस्त किस्म की चल रही है और ये हेड सलमान की है बिल्कुल हमारे सामने। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से हेड सलमान की का व्यू और दरियाए सतलुज का व्यू और ये ये देखें व्यूवर्स ये हेड सुलेमान की और ये सतलुज दरिया। ये बॉयज सारे बारी बारी नीचे उतर रहे हैं
इन लोगों का प्रोग्राम है सतलुज में स्विमिंग करने का। चलो शहरी, यह मेजर शहरी आप भी नीचे उतरते हुए चले। मेजर साहब तो हमारे बड़े स्लो स्लो जा रहे हैं। मेजर साहब के पीछे पीछे नीचे उतरते हैं और जरा सतलुज के करीब जाते हैं। तो व्यूवर्स, अब हम लोग मछली खाने लगे हैं। ये हम लोग बिल्कुल इस टाइम दरिया सतलुज के साथ बैठे हुए हैं। ये पीछे हमारे सतलुज रिवर है और अब हम लोग इसके सर में दर्द है। मेरा तो सर पेन, सर में काफ़ी पेन हो रही है। तो बहरहाल अब हम मछली खाएंगे इंशाल्लाह। शायद कुछ पेट में खुराक जाएगी तो सर दर्द बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मछली आती है तो फिर आप लोगों को खब्बा भी दिखाते हैं अपना। सो व्यूवर जी, हमारा फूड आ चुका है और अब हम लोग खाबा खाएंगे और खाबा खा के फिर निकलने की तैयारी करते हैं। काफ़ी लेट हो चुके हैं और रिव्यू देते हैं फिश के बारे में कि किस तरह का टेस्ट था इसका। सारे ना मछली का रिव्यू देंगे जो हम लोगों ने खाई है आज। पहले मैं बताता चाहूँ कि मुझे तो पर्सनली बहुत मज़े की लगी है। मैं तो कहूँगा यार 10 out of 10 बेस्ट फिश। और गुल्लू जी आप बताएं। मेरे लिए 10 out of 11 थी। बहुत ही मज़ेदार मछली थी, दरिया की मछली थी एक तो, और मैं बहुत ही अच्छे मसाले लगाए हुए थे, बहुत टेस्टी थी। अच्छा सही बता रहे हैं, लाहौर की मछली के मुकाबले में ये जो मछली है मेरी नज़र में मियाँ वाला रिव्यू 5 out of 10। और बाकी कैप्टन मेरी तो मेरी नजर में भी मियां वाला रिव्यू 10 out of 11। आपकी तो नजर ही नहीं नजर आ रही है भाई। ये सात लोग जिन्होंने आपकी तो बैटिंग वाली नजर आ रही है। बहुत मजा आया हम लोगों को मछली खा के। सो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हम लोगों का आज का दरिया सतलुज का ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है। और स्पेशली थैंक्स सगीर भाई और फीज भाई के लिए जिन्होंने हमें यहाँ पे आज घुमाया और बहुत ही प्रोटोकॉल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों का। भाई जी नहीं है भाई, बहुत प्यार करने वाले दो हैं भाई। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी यहाँ पे कोई मेले का भी दिन करीब आ रहे हैं तो इंशाल्लाह दोबारा टूर लगाएंगे यहाँ का इंशाल्लाह ताला। तो बाकी आप ये व्यूवर से बस यही है कि हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कोई कमी पेशी हो रही हो तो कमेंट में भी लाजमी बताइएगा। तो अब अपना व्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट जगह पे किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। स्ट्रेट ट्रैवलर्स, अल्लाह हाफिज़।